हेलो फ्रेंड्स, पठान के बाद बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की एक और बड़ी फिल्म जवान का लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पर इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि इस मूवी का रिलीज डेट पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि यह मूवी इसी साल के 2 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। पर मेकर से कहना है कि मूवी की शूटिंग कम्प्लीट न होने के कारण यह मूवी अब जून में नहीं बल्कि 2 महीने बाद यानी कि अगस्त में रिलीज होगी, जो सुन के ऑडियंस को काफी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि जब से लोगों ने जवान मूवी का टाइटल टीजर देखा है तब से लोग इस मूवी का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस मूवी में हमें शाहरुख खान एक रोल नहीं बल्कि डबल रोल में जबरदस्त एक्शन और फाइट करते हुए नजर आने वाले हैं। और इस मूवी में शाहरुख खान के मुख पर वो बंधा हुआ पट्टी वाला लुक ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। अगर आप लोग बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के डाई हार्ड फैन हैं और इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करें इस मूवी के स्टार कास्ट की, तो इस मूवी में हमें बॉलीवुड के साथ साथ साउथ के भी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें एज ए लीड रोल में शाहरुख खान के साथ विजय सेतुपति, नयनतारा, प्रिया मणि, सुनील ग्रोवर और योगी बाबू के साथ साथ थालापति विजय, दीपिका पादुकोण और संजय दत्त जैसे बड़े बड़े एक्टरों का कैमियो रोल भी देखने को मिलने वाला है। और यह मूवी करीबन 200 करोड़ के भारी बजट के साथ पैन इंडिया रिलीज हो रही है, जिसमें पठान से भी ज्यादा हाई क्वालिटी के एक्शन और थ्रिलर देखने को मिलने वाले हैं। अब वहीं इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो मेकर्स द्वारा इस मूवी का रिलीज डेट 25 अगस्त बताया गया है, जो ट्रेलर आने के बाद 100% कन्फर्म हो जाएगा। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मूवी के रिलीज होता ही मूवी का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।